हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की इस वीडियो में। और इस चैनल की ये जो वीडियो है, ये एक सीरीज़ है जो मैंने अगस्त 1 को स्टार्ट की थी, जब मैंने आपको कुछ एनएफटी से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड कुछ कॉइन्स बताए थे। और एग्जैक्टली 1 अगस्त को मैंने बनाई थी। अब एक महीने बाद 4 सितंबर है आज, लेकिन आज मैं आपको इसकी अपडेट देने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होता है अगर आप 1 अगस्त को इन कॉइन्स में पैसा लगाते और 10,000 रुपये मैंने इसमें सब में डाले। तो मैं ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैंने अच्छे कॉइन्स को चुने अपनी रिसर्च से और लाइव आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ कि उसमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान है, सब चेक करेंगे। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ये टेलीग्राम हमारा है। आप देखोगे टेलीग्राम पर मैं कई सारे चार्ट्स, आप देखोगे मैंने आपको स्लिम बताया था, मैंने आपको फैंटम भी बताया था। आज जो फैंटम इतना उठा हुआ है, ये फैंटम भाई ने 24 रुपये के आसपास मैंने आपको वहाँ बता दिया था अपने चैनल पर, जब फैंटम की एक्सप्लेनर वीडियो मैंने बनाई थी तब बताया था। और मुझे एक गम इस बात का रहेगा हमेशा कि फैंटम की वीडियो के उतने व्यूज़ नहीं आए थे, तो शायद उतने भाई लोग नहीं देख पाए, क्योंकि उस समय एक्सप्लेनर वीडियो कोई नहीं देखता है। बट मैं आपको जब एक्सप्लेनर वीडियो देता हूँ कोई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे के हिसाब से ही देता हूँ मैं, फ्यूचर बताता हूँ आपको, ठीक है, उस हिसाब से रिसर्च करके बताता हूँ। तो देखा करिए आप लोग। अभी फिलहाल के लिए टेलीग्राम से जुड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार आए हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, तो बेल आइकन को ऑब्वियसली प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले चलते हैं थेटा को लेकर। हमने सबसे पहला थेटा चुना था, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैं सबसे पहले वजीरिक्स में चेक कर लेते हैं आज। कॉइन गेको वगैरह में कुछ ना कुछ जो है डिफॉल्ट आता है, तो मान लेते हैं कि आपने जो है अपना लेके रखा हुआ था यहाँ वजीरिक्स में, ये सब कॉइन लेके रखे थे। तो ये टी फ्यूल है, टी फ्यूल USDT का अगर मैं चार्ट खोलूँ आपके सामने, तो टी फ्यूल मेरे सामने यहाँ पर कितना प्राइस दिखा रहा है, USDT में 0.39799 दिखा रहा है। लेकिन अगर रुपीज़ में यहाँ देखो बगल में दिखा रहा है INR वैल्यू 30.235, एस्टिमेटेड INR वैल्यू है 30.235, यानी टी फ्यूल कहाँ गया, ये रहा यहाँ पर जब 28 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे 30.235, ये हमारा थेटा फ्यूल का हो गया परसेंटेज। ये बाकी वालों पे ध्यान मत दीजिएगा, ये अभी अपडेट नहीं हुए। तो 30.35, और पिछली बार का आपको याद होगा कितना प्रॉफिट था, आई डोंट नो रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है 85,000 था। तो 25,000 के प्रॉफिट में हम लोग थे पिछली बार, 60,000 रुपये लगाए थे। और अब देखते हैं कितना चल रहा है, अभी मैंने अपडेट पूरे नहीं किए हैं, तो बिल्कुल अभी स्किप मत करिएगा। 30 पॉइंट, तो थेटा ने हमको 10,000 रुपये लगाए, 12,510 रुपये ला के दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा थेटा फ्यूल के अलावा थेटा है हमारा, ठीक, जो थेटा सिंपल जो सिर्फ थेटा है, और उसको देख लेते हैं थेटा में आखिर क्या चल रहा है। थेटा का USDT प्राइस चल रहा है 7.43 और 564 रुपीज़ में हुआ, 564.9। तो यहाँ पर लिख देते हैं थेटा, वीडियो प्राइस था 436, अब चल रहा है 564.9 रुपीज़। तो गाइज आप देख सकते हो 29% का रिटर्न दिया है, यानी 10,000 रुपये हमारे 12,956 रुपये हो गए, ठीक। थेटा हमने 436 पे लिया था 1 अगस्त को। अब नेक्स्ट देखते हैं चिलीज कॉइन कितना चल रहा है, चिलीज के बारे में देख लेते हैं। CHZ चिलीज, ये रहा USDT में, इसका प्राइस है 0.42, INR में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू दिखा रहा है 32.18। हालांकि ये हाई भी गया था बहुत हाई, लेकिन चलिए इसी को ले लेते हैं 32.18। तो यहाँ पर 32.18 अगर हम डालते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 66% का यहाँ पर प्रॉफिट चिलीज ने लाके दिया है। 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, हो गए हैं 16,647 रुपये, ठीक। तो चिलीज ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। आप देखते हैं चिलीज हाईएस्ट है कि कौन सा हाईएस्ट है। माना देख लेते हैं, माना यहाँ पर लगा के रखा था मैंने, माना चला गया है $1.01 USDT। अब यहाँ पर आप देखो INR वैल्यू इसकी 76.77 चल रही करेंटली, तो 76.77 अगर हम यहाँ पर डाल दें, तो माना ने हमें रिटर्न दिया है 46% का, नाइस। तो 14,640 रुपये के आसपास ये हो गए 10,000 रुपये डाले थे। अब हम चलते हैं मेन दो कॉइन के ऊपर। एक्सेस तो बहुत तेज़ी से दौड़ा था पिछली बार, और एक्सेस हमने सही टाइम पे पकड़ के बड़ी अच्छी चीज़ करी थी कि हमने एक्सेस सही टाइम पे ले लिया। एक्सेस चल रहा है यहाँ पर, आप देखोगे ये है एक्सेस का प्राइस, जो कि ये 5,658 रुपीज़ के आसपास, 5,658 रुपीज़ के आसपास। तो पिछली वाले में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लॉस अगर देखें तो 70% का प्रॉफिट एक्सेस ने दिया है। अभी तक हाईएस्ट चल रहा है यहाँ पर चिलीज और एक्सेस का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट बचा है सैंड। सैंड का हमें प्राइस देखना है यहाँ पर, सैंड देखें कहाँ गया, एंड लेट्स सी सैंड। सैंड $1 के आसपास आ गया है, 1.001, और 76.13 चल रहा है। सैंड हमने लिया था 48 रुपये में चल रहा था, 76.13 आई थिंक,
तो आप देखोगे यहाँ पर सैंड ने हमें 57% का प्रॉफिट दिया है। तो चार कॉइन्स ने तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, दो कॉइन्स ऐसे हैं जो जिसने हमें सिर्फ 30% का प्रॉफिट दिया है, पर प्रॉफिट सबने दिया है। मेन बात ये नोट करने वाली है कि प्रॉफिट सभी ने दिया है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, देखिए हमने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था, 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और लगभग हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 29,590 रुपये का। आप देखो 29,590 का रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हमें सिर्फ एक महीने में मिला है गाइस, ठीक। तो हमने 50% प्रॉफिट एक महीने में किया, करा क्या हमने, कोई लेवरेज नहीं, कोई मार्जिन ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं किया। 29,000 रुपये एक महीने की कमाई आराम से हमारी आई सिर्फ होल्ड करने की, लेके डालने की इन कॉइन्स को। तो यही था, मैंने इन कॉइन्स को क्यों चुना, क्योंकि NFT सीज़न मुझे लग रहा है आने वाला है और काफ़ी अच्छा बुल रन जो है ये कर सकता है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा था। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट का PNL हुआ है हमारा और अच्छा खासा चल रहा है। इतना जो है आप नॉर्मल इंसान से भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग जब ट्रेड करते हो ऊपर नीचे तो उसमें लॉस अपना बना रहे होते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सचेंजेस को पैसे दे रहे होते हो। यहाँ पर आप क्या करते हो, होल्ड करके रखते हो जब चीज़ें, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका तय ही तय होता है। और अच्छे कॉइन्स लोगे तो इस तरह का प्रॉफिट होता है। आप देखोगे एक्सेस ने 70 पॉइंट यहाँ पर 70% का प्रॉफिट दिया, चिलीज ने हमें 66 का दे दिया है, और नेक्स्ट हमें किसने दिया है यहाँ पर, सैंड ने 57 का दिया है, माना ने 46% का दिया है। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं, ये बड़ी बात है। और यहाँ पर आप लोग अगर मुझसे पूछो कि मैं अगर यहाँ पर इन सब कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के बाद अगर रिसर्च की, तो अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट से क्या हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ आता दिख रहा है। पहली चीज़, हमने कॉइन कौन सा सबसे अच्छा चुना, अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है हमने यहाँ पर चिलीज अच्छा चुना, ठीक। चिलीज को सही टाइम पे पकड़ लिया, डिपेंडिंग ऑन आप देखोगे चिलीज में जितना पोटेंशियल है यहाँ से, चिलीज का मुझे $1 का दिखता है पोटेंशियल, तो 76 यहाँ से जा सकता है, और 19 में पकड़ा है तो यहाँ से हम 3-4x का हम यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं, ठीक है। चिलीज की प्राइस का मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा, चिलीज सबसे अच्छा परफॉर्मिंग लग रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर थेटा फ्यूल भी हमने थोड़ा हाई पे बाय किया, तो यहाँ पर AXS जो है ये हमने ऑलरेडी हाई में लिया था, पर वो सिर्फ हमारा लक था जो हमें ऊपर लेके गया। देखिए मेन चीज यहाँ पे एक्सेस में हमने दाव खेला था, क्योंकि एक्सेस अच्छा कॉइन तो है नो डाउट, पर एक्सेस में पैसा फंसाना मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात थी, क्योंकि एक्सेस ऑलरेडी पंप था और वहाँ से डंप के चांसेस थे। पर एक्सेस ने ऊपर का रुख किया और 6,000 चला गया था बीच में, तो पर 5,658 रुपये चला गया, तो काफ़ी यहाँ पर हमने एक तरह से बैठ लिया था पंप का, ठीक, क्योंकि अच्छा फंडामेंटल तो है पर प्रॉफिट श्योरिटी नहीं थी, ठीक। तो इसने हमारे 10,000 के 17,000 बना दिए। अगर आपको तीसरा कॉइन बताऊं जो अच्छा मुझे लग रहा है हमने सही प्राइस पे पकड़ लिया, तीसरे कॉइन के मामले में आई वुड से सैंड ही अच्छा है। माना को मैं नहीं बोलूंगा, सैंड को बोलूंगा। माना $1 ऑलरेडी आ चुका था, सैंड ने अच्छा रिटर्न दिया 48 से यहाँ पर 76 तक, और हमने सही प्राइस पे ले लिया। तो दो कॉइन चिलीज और सैंड को हमने सही प्राइस पे लिया, बाकी महंगे पे एक्सेस पे सबसे हमने लिया था, और इसको भी बहुत महंगे पे ले लिया हमने, इसको थेटा फ्यूल को, ठीक। थेटा फ्यूल को और पहले पकड़ना चाहिए था। तो गाइस आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को देख के मज़ा आ रही होगी कि कैसे 49.3% प्रॉफिट हमने यहां पर ओवरऑल किया है और 29,000 रुपए कमाए हैं सिर्फ 60,000 इन्वेस्ट करके। तो गाइस ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा कितना चल रहा है, 90,000 के आसपास चला है, 89,590। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लाऊंगा श्योरली कुछ दिनों में, और तब देखेंगे क्या चल रहा है, डंप आता है, पंप आता है, क्या आता है, देखते रहिएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।